हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स अ वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर ऑल पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑप्शन ए कन्वेक्स लेंस, ऑप्शन बी कंकेव लेंस, ऑप्शन सी कन्वेक्स मिरर, ऑप्शन डी कंकेव मिरर। सो लेट अस हैव द की कंसेप्ट फॉर द गिवन क्वेश्चन। देखो, की कंसेप्ट ये कहता है कि यहाँ पर फोर डिफरेंट केसेस है, कन्वेक्स लेंस, कंकेव लेंस, कन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव। सबसे पहले कन्वेक्स लेंस लुक्स लाइक दिस, दिस इज अ कन्वेक्स लेंस, दिस इज अ कॉनकेव लेंस, नाउ दिस इज अ कॉनवेक्स मिरर एंड दिस इज अ कॉनकेव मिरर। दिस इज कन्वेक्स लेंस, दिस इज अ कॉनकेव लेंस, कॉनवेक्स मिरर, दिस इज अ कॉनकेव मिरर। ये फर्स्ट पॉइंट वी हैव टू डिवाइड। सेकेंड पॉइंट इज दैट ऑब्जेक्ट कैन बी रियल एंड वर्चुअल, रियल भी हो सकता है वर्चुअल भी हो सकता है। सिमिलरली इमेज कैन बी रियल एंड वर्चुअल, इट कैन बी रियल और वर्चुअल। रियल में ऑब्जेक्ट भी रियल और वर्चुअल हो सकता है, इमेज भी रियल और वर्चुअल कैटेगरी में आ सकता है। So let us understand all the situations. So with the help of this concept, we will proceed further. The first case of convex lens. देखो, convex lens के केस में क्या होता है कि suppose करो ये आपका एक convex lens. Now this is the principal axis. यहाँ पर इस पॉइंट को 2F F, F. Now there are some cases. पहला केस, अगर हम ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखें तो इमेज एफ पे बनेगी। अगर हम ऑब्जेक्ट को 2F के पहले रखें तो इमेज एफ और 2F के बीच में बने। अगर हम ऑब्जेक्ट को एग्जैक्टली 2F पे रखें, इमेज सेम साइज का होगा, 2F पे बने। अगर हम ऑब्जेक्ट को 2F और F के बीच में रखें, इमेज 2F से बियॉन्ड हो जाएगा और बड़ा साइज हो जाएगा, एनलार्ज। अगर हम ऑब्जेक्ट को F पे रखें तो इमेज विल बी एट इन्फिनिट, और F और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखें तो इमेज वर्चुअल होगा। तो ये डिफरेंट केसेस था। तो दिस वाज गो टू अगर हम इन्फिनिटी पे रखें तो इधर पर दिस वॉज ओ वन, ओ टू, ओ थ्री, ओ फोर, ओ फाइव, ओ सिक्स, सब डिफरेंट केसेस है। आई वन, आई टू, आई थ्री, आई फोर, और एक इन्फिनिटी पे बना आई फाइव। इन्फिनिटी पे नेक्स्ट है आई सिक्स। तो कन्वेक्स लेंस रियल एंड वर्चुअल इमेज दोनों बना सकते हैं, ये कन्वेक्स लेंस कैन फॉर्म रियल और इन्वर्टेड इमेज, इवन इट कैन फॉर्म वर्चुअल कॉमा डायरेक्ट इमेज। तो दोनों कैटेगरी ऑफ इमेज इट कैन फॉर्म। नाउ लेट अस प्रोसीड विथ कंकेव लेंस। सो सपोज वी कंसीडर अ कंकेव लेंस, कंकेव लेंस के कैटेगरी में क्या होता है, ये कंकेव लेंस हो, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस एफ टू एफ, एफ टू एफ,
अब देखिए यहां पर जैसे कि आपने इस केस में देखा था, आपने कन्वेक्स लेंस के केस में जैसे आपको दिखाया गया, वैसे कनकेव कन्वेक्स लेंस आपने जैसे देखा कि रियल और वर्चुअल दोनों बना सकता है, दोनों कैटेगरी वो इमेज बना सकता है। नाउ कनकेव लेंस जो होते हैं वो इस पर्टिकुलर केस होता है, जैसे लेंस का दो टाइप्स हुआ वो एक केस हुआ। अब कनकेव लेंस जो होता है इट कैन फॉर्म, अगर हम ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखें, अगर इंफिनिटी से रेज आ रहे हैं तो इमेज जो बनेगा फोकस पे बनेगा वर्चुअल। और अगर हम कहीं पर भी इधर प्लेस करते हैं कनकेव लेंस के केस में, अगर हम पैरेलल रेज आ रहे हैं तो वो फोकस इंफिनिटी मतलब रेज पैरेलल आ रहे हैं, ओके। और अगर हम यहां पर कहीं रखते हैं इमेज को इस जगह ये मान लीजिए, ये इमेज जो वर्चुअल, ये वर्चुअल इमेज हुआ, दिस इज O2, तो इट विल दिस इज वर्चुअल, ओके। इसीलिए हम इसको डॉटेड लाइन से दिखा देते हैं, ये आपका वर्चुअल है। I2 इज वर्चुअल। इससे आपने क्या देखा कि कनकेव लेंस कैन फॉर्म वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज, इट कैन नॉट फॉर्म रियल इमेज। नाउ नेक्स्ट इज कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर के केस में तो दिस इज अ कन्वेक्स मिरर, ये कन्वेक्स मिरर, ये फोकस। मान लीजिए अगर हम ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखते हैं, दिस इज इंफिनिटी, इंफिनिटी में रखने का मतलब है रेस पैरेलल आ रहे हैं, इमेज जो बनेगा फोकस पे। अब अगर मान लीजिए हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पे, दिस पॉइंट इज नोन एज पोल, ये बना पार्ट पोल, दिस इज एफ और दिस इज पोल। तो यहां पर इमेज वर्चुअल होगा, दिस इज वर्चुअल, इट विल बी ऑफ स्मॉल साइज। ये आपका स्मॉल साइज है। इससे आपने क्या देखा कि कन्वेक्स मिरर जो होता है कैन फॉर्म वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज, एंड द लास्ट वन इज का कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर के केस में दिस इज, देखो यहां पर ये आपका एक पॉइंट होगा, ये एक्चुअली ये जो पॉइंट था सेंटर ऑफ द इमेज, ये एफ कर देते हैं, ये सी कर देते हैं, एंड दिस इज बोल। यहां पर भी डिफरेंट केसेस है, अगर हम ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखते हैं इमेज बनेगा फोकस, अगर ऑब्जेक्ट ये होगा, अगर आप ऑब्जेक्ट को सी और वो इंफिनिटी के बीच में रखता हूँ तो इमेज जो होगा इधर बनेगा, अगर हम सी पे रखते हैं एग्जैक्टली इमेज सी पे ही बनेगा, तो सी और एफ के बीच में रखते हैं कहीं दूर बड़ा साइज का होता है, इट विल बी ऑफ बिगर साइज। और अगर हम एफ पे रखते हैं ऑब्जेक्ट को इमेज इंफिनिटी, यहाँ डिफरेंट केसेस है,
वन ओ टू, ओ थ्री, ओ फोर, ओ फाइव, आई वन, आई टू, आई थ्री, आई फोर, आई फाइव, थर्टीन, दिस इज इंफिनिटी ओ वन, दिस इज ओ टू, दिस पॉइंट इज सी, दिस पॉइंट इज एफ, दिस पॉइंट इज ओ. तो यहां पर भी आपने क्या देखा, कन्वेक्स कनकेव मिरर, कनकेव मिरर कैन फॉर्म रियल कॉमा इन्वर्टेड इमेज. नेक्स्ट इज वर्चुअल कॉमा इरेक्ट इमेज, दोनों बना सकते. इस पॉइंट को हम लोग एक्चुअली इसको ऑप्टिकल सेंटर बोला जाता. ना तो हम लोग के जो केस में हम लोग को पूछा जा रहा है वर्चुअल और इमेज इरेक्ट इमेज होना चाहिए सभी पोजीशंस के लिए ऑब्जेक्ट को. तो वर्चुअल एंड इरेक्ट जो होते हैं, ओनली वर्चुअल एंड इरेक्ट, या तो कनकेव लेंस या तो फिर कन्वेक्स मिरर. सो द फाइनल आंसर इज द कनकेव लेंस एंड कन्वेक्स मिरर. सो ऑप्शन ए इज कन्वेक्स लेंस इज रॉन्ग, ऑप्शन बी कनकेव लेंस इज करेक्ट, ऑप्शन सी कन्वेक्स मिरर इज करेक्ट, ऑप्शन डी कनकेव मिरर इज रॉन्ग. सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन बी एंड सी, कनकेव लेंस एंड कन्वेक्स मिरर रेस्पेक्टिवली. थैंक यू.